वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। हेलो, यस सर। अच्छा, आ गए। मेरे ख्याल अभी जरूरत नहीं पड़ी लॉगिन चेंज की, उसी से ही हो गए। यस सर, अभी सिर्फ दो लोग आए हैं। हाँ चलें, ये अच्छा हो गया। तो मेरे ख्याल अभी 7 पीपल हुए हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं। मीन टाइम कोई बात पूछनी है तो आप करें, क्वेश्चन करें। साथ साथ समझ आ रही है ना बातों की? यस सर। गुड, दैट्स गुड। जहां ना हो अपना हैंड रेस करें ताकि मुझे अंदाजा हो। ओके सर। हेलो, कन्वे करें भाई, सबको कन्वे करें कि आ जाएं क्लास में, आ जाएं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट जनरल अप्रोच ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च फॉर्मेट आर रिसर्च प्रपोजल आर प्लान। एट द मोमेंट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर द जनरल अप्रोच वेयर इन इंट्रोडक्शन आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दैट there are the 5 parts of introduction, like the statement of problem, purpose of the study, research questions, delimitations, and limitation and delimitation and significance of the study. Now it's the time to discuss the procedures. Here in procedures, again there are different parts.
First of all, characteristics of qualitative research. वैसे तो वो कह रहे हैं कि ऑप्शनल है, बट आई थिंक सो इट शुड बी इन माइंड ऑफ द रिसर्चर दैट व्हाट टाइप ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च रिसर्चर इज गोइंग टू कंडक्ट, बिकॉज इफ ही इज अवेयर अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स इट विल हेल्प हिम टू गो फॉर रेलिवेंट प्रोसीजर्स एंड perfect research design. This will be very helpful for him. Number two, qualitative research strategy. No doubt there are different strategies, as earlier I discussed that, and in detail we will study the different strategies. Do remember there is a difference between approach, type, strategy, and methodology. Approach, there are two approaches of research, qualitative and quantitative. But when we say the methods, then the certain research method, for example, descriptive research is research method. And experimental research is research method. And design are major two things on the basis of which approach the design has been formed. For example, the design might be about on the basis of quantitative or qualitative or about the mixed method. Also, the design might be on the different philosophical approaches, that might be some combination of two approaches. And the strategy is about what will be the different roles of different people therein. For example, role of researcher kya hoga? Ye, I remember ki maine jo pehla hamara class first thi, usme maine discuss kiya tha ki role of researcher kya hota hai aur good researcher kaun hota hai. डेटा कलेक्शन प्रोसीजर्स, ये मल्टीपल प्रोसीजर्स हैं, क्वेश्चनेयर है, ऑब्जर्वेशन है, चेक लिस्ट है, इन्वेंट्री है, इंटरव्यूज हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो कॉलिंग है, ऑनलाइन वो सबमिशन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स हैं, या डिस्टेंस कॉलिंग है, फिर फील्ड ट्रिप है, ऑन स्पॉट विजिट्स हैं, एक्सपेरिमेंटल या फिर डॉक्यूमेंट्स एनालिसिस हैं, डॉक्यूमेंट्स की अथेंटिसिटी है, बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं डाटा कलेक्शन प्रोसीजर्स में. एंड अकॉर्डिंगली जो आप डाटा कलेक्शन का प्रोसीजर है उसको आप करते हुए फिर उसको एनालाइज करना होता है. वाइल analyzing the data in qualitative research, the researcher have to decide about the assumptions. On the basis of the assumptions of that research, that what type of data analysis approach or technique he or she has to use. Isme different software hain, transcription hai, transcribe karte hain, interpret karte hain. To ye sab aur ye depend karte hain uski डिज़ाइन पर और उसकी अजम्पशंस पर. वेरिफिकेशन ऑफ प्रोसीजर्स, जो भी प्रोसीजर अडॉप्ट किया डाटा कलेक्शन का या डाटा एनालिसिस का, एनालिसिस के जो रिजल्ट्स हैं वो कंफर्म करते हैं कि जो डाटा कलेक्शन प्रोसीजर था वो ठीक था या नहीं था. सो ये बहुत स्किलफुली और वेरी टेक्निकल प्रोसेस है. ये नहीं होता कि जी डाटा आपने कंप्यूटर में फीड कर दिया SPSS में या NVivo में और उसको बटन को ऑन किया, रन किया और डाटा एनालाइज हो गया. कंप्यूटर ने कर देने, कंप्यूटर तो नहीं जानता कि आप क्या करवाना चाहते हैं उससे, आप जो बटन ऑन करेंगे वो कर देगा. ये रिसर्चर को डिज़ाइन करना होता है कि उसे क्या स्टेप कब लेना है और क्यों लेना है. व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ हैव टू बी डिसाइडेड बाय द रिसर्चर, not by the computer.
एंड देन देर इज द नरेटिव स्ट्रक्चर. नरेटिव स्ट्रक्चर इज बेसिकली द राइटअप ऑफ द रिजल्ट्स. नरेशन, इसकी भी अपनी एक करेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि एकेडमिक राइटिंग हो, टू द पॉइंट हो, सादा आसान लैंग्वेज हो, ऑडियंस को अप्रोच करे, ऑडियंस के लिए आसानी हो पढ़ने में, मुश्किल इंग्लिश के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते. एक्चुअली तो आपने अपना रिसर्च का जो कंडक्ट करेक्ट था, रिजल्ट्स थे, वो लोगों को समझाने हैं ना, अंग्रेजी थोड़ी सिखानी. So these are the all the different components which have to be taken into consideration while narrative structure. So मैंने आप सबका इंतजार भी किया, 41 आप लोग हो गए हैं, तो अभी तक मैंने कोई बहुत ज़्यादा आगे नहीं लेके गया. प्रोसीजर को मैंने डिस्कस किया है, इसमें करेक्टरिस्टिक्स पे बात की मैंने, क्वालिटेटिव रिसर्च स्ट्रेटजी पे बात की, रोल ऑफ द रिसर्चर मैंने बताया, किस तरह डाटा कलेक्ट करना है, उसके प्रोसीजर्स क्या हैं, एनालिसिस के प्रोसीजर्स क्या हैं, एंड हाउ टू वेरीफाई द प्रोसीजर्स, एंड फाइनली अबाउट द डाटा नरेशन. लेट्स गो फॉर सम अदर कंपोनेंट्स. अभी कंटिन्यूड है प्रीवियस स्लाइड से, बात अभी खत्म नहीं हुई थी. जब आपने नरेट कर लिया तो कोई और काम भी कर रहे हैं, वो क्या है? एंटिसिपेटेड एथिकल इश्यूज. रिसर्च एथिक्स को फॉलो करते हुए जो भी इश्यूज फॉलो हों और आए, उनको एंटिसिपेट करना होता है, फिर उनको एथिकली उन इश्यूज को रिजॉल्व करना होता है, इश्यूज को एड्रेस करना होता है. सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी के अंदर हम जो रिसर्चर क्लेम करते हैं कि उनको एड्रेस कैसे करना है. इन द कंपोनेंट वेयर द नरेटिव सेक्शन इज देयर, नरेटिव स्ट्रक्चर इज देयर, इन दैट प्लेस इन डिस्कशन पोर्शन रिसर्चर्स हैव टू रिकॉल इन हिज माइंड what are the significance of this search, and he or she is replying the questions or the claims or the stance whatever he have taken in the significance place. So different type of contradiction, conflict might be there with the previous researchers, and sometimes there will be alignment of this study with the previous researcher. So isko without any biasness, apni zaati khwahish se hatke researcher ne usko explain kar diya. Preliminary pilot findings, ek bahut bada ahem component tamam kisam ki research mein pilot study hota hai. Rather it is qualitative research or क्वांटिटेटिव रिसर्च, पायलट स्टडी हम करते हैं इंस्ट्रूमेंट को चेक करने के लिए. द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच द डेटा इज टू बी कलेक्टेड, इट इज वेरी नेसेसरी फॉर द रिसर्चर टू कंडक्ट अ पायलट स्टडी, बिकॉज पायलट फाइंडिंग्स लीड्स टूवर्ड्स the reliability and validity of the research instrument. Agar wo nahi hoti pilot study ki findings ke result mein, to phir researcher kya karta hai, apne us research instrument ko jisne usko istemal kiya hai, uski direction, uska parameters, uske factors, uske jo उसके अंदर कुछ तब्दीलियां लाता है. इसकी अच्छी एग्जांपल एक ये हो सकती है, डायरेक्शन ऑफ क्वेश्चन होती है. बाज़ात हम क्वेश्चन में ही निगेट कर रहे होते हैं, हो सकता है वो हमारा क्वेश्चन, वो आइटम पार्टिसिपेंट उस तरह ना समझे जिस तरह हम उसका मीनिंग लेना चाहते हैं. जब इसको हम कंडक्ट करेंगे, लोगों से इंफॉर्मेशन लेंगे, उनके जो जवाब हैं रिप्लाई की बुनियाद पर हम डिसाइड कर सकते हैं
कि ये क्या मसला है, इस सर्टन फैक्टर को क्यों लोगों की इंफॉर्मेशन लोड नहीं हो रही। सो फैक्टर लोडिंग के लिए फिर उसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। वही क्वेश्चन अगर डायरेक्शन चेंज करके पूछें तो माइट भी लोग उसको बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हो। तो ये डिसाइड करने के लिए पायलटिंग हम करते हैं कि जो हमारा रिसर्च इंस्ट्रूमेंट था वो किस कदर वैलिड भी था और किस कदर वो रिलायबल भी था। यू नो रिलायबिलिटी होती है कि द इंस्ट्रूमेंट के कंसिस्टेंसी हो उसके रिजल्ट्स के अंदर, उसको जब और जहां भी इस्तेमाल करें सिमिलर तरह से वो चीज़ को मैयर करें। फॉर एग्जांपल हमारे पास पैमाना होता है जिसे फुट कहते हैं, उसके अंदर 12 इंच है, उसको आप लाहौर में, गाँव में, किसी और मुल्क में किसी भी चीज़ की लेंथ मालूम करें तो वो उतनी ही करेगा, 12 इंच ही, कहीं 11 इंच नहीं हो जाएगी। दिस इज़ द रिलायबिलिटी। और वैलिडिटी ये है कि वो उस पर्पज़ को सर्व करे जिस काम के लिए उसको बनाया गया है। तो अगर ये लेंथ को मेजर करता है तो इसको लेंथ मेजर करनी चाहिए, अदरवाइज तो आपको पता ही है स्कूल लेवल पे अगर हम देखें तो टीचर ये फुटा इस्तेमाल करते हैं पटाई करने के लिए भी, लाइनें लगाने के लिए भी, चीज़ों को सीधा रख के फाड़ने के लिए कागजात को। तो पर्पज़ इसका वो नहीं है, उसकी वैलिडिटी ये है कि दैट इज मेंट फॉर मेजरिंग ऑफ लेंथ। सो लेंथ मेजर कर रहा है तो वो वैलिड है। तो ये प्रिलिमिनरी फाइंडिंग जो ऑफ पायलट स्टडी हैं ये हमें गाइड करती हैं इनकी तरफ। आई थिंक सो पायलट स्टडी की आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। आपने पायलट प्रोजेक्ट का नाम सुना होगा। पायलट प्रोजेक्टिंग भी लोग इसलिए करते हैं क्योंकि बड़ा काम करने से पहले, इवन ठेकेदार बड़ा काम करने से पहले एक छोटा उस पर काम करते हैं, उसके अंदर जो नक्स हैं उनके तरीकाकार के अंदर उनको रिमूव करके फिर उसको बड़े लेवल पे काम शुरू कर देते हैं, ताकि वो जो नक्स इब्तदाई मरहले पे आए थे वो सारी की सारी स्टडी के अंदर ना आ जाए। सो बुनियादी तौर पर अपने टूल्स को, अपने ऑब्जेक्टिव को, क्योंकि जो फाइंडिंग होनी है उसने तो फाइनली देखना है ना कि आपका जो डाटा इकट्ठा हुआ था रिसर्च टूल के जरिए क्या आपके ऑब्जेक्टिव को मीट कर रहा है, रिसर्च क्वेश्चन का जवाब ठीक दे रहा है, जो लिटरेचर आपने रिव्यू किया था वहाँ से भी वेट हो रहा है। तो यूँ बहुत सारी चीज़ें हमें उससे वेट होती हैं, नहीं होती हैं तो हमें उसको चेंज कर लेते हैं। ओके, देन देयर इज द अपेंडिसेस। अपेंडिक्स में चीज़ें डिफरेंट आती हैं जी। रेफरेंसेस तो आने ही आने हैं, वो उसका हिस्सा है, वो अपेंडिसेस नहीं है। इंटरव्यू प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल आपको पता है कि तरतीब को कहते हैं, तरीकाकार को कहते हैं, क्या तरीका था इंटरव्यू लेने का, फॉर्मेट या गाइडलाइंस, ये डेफिनेटली साथ बतानी होती हैं कि जी कोई इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए ये हमने प्रोटोकॉल तय किया था। ऑब्जर्वेशनल प्रोटोकॉल्स, कोई ऑब्जर्वेशन करने के लिए जो गाइडलाइंस बनाई थी, टाइम लाइन, कितना टाइम, किस वक्त, कब, कैसे कैसे, डिफरेंट पीसेज ऑफ टाइम में, डिफरेंट चंक्स में ये चीज़ें कंडक्ट होती हैं। और अगर एक टाइम और दूसरे के दरमियान गैप वेरिएशन हो तो उस वेरिएशन का इम्पैक्ट इंफॉर्मेशन कलेक्शन पे होता है और वो वेरिएशन अल्टीमेटली आपके रिजल्ट्स पे भी इम्पैक्ट करती है, तो इसको भी ख्याल रखना होता है। जनरली आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि आपने अपना एमफिल, 4 सेमेस्टर आपके 2 साल हैं, जिसमें 2 सेमेस्टर्स में आपने कोर्स वर्क करना है और बाकी 2 सेमेस्टर्स आपके लिए रिसर्च थीसिस कंडक्ट करने के लिए। तो दुनिया के अंदर कोई भी जो रेगुलर एमफिल है 2 साल में होता है, 4 सेमेस्टर में। अच्छा, अब कोई रिसर्च कंडक्शन ऐसी रख ले, टाइटल ऐसा रख ले, प्रोसीजर ऐसा कर ले, उस पर कोई 1.5 या 2 साल लगते हों तो उसका असर क्या पड़ेगा इस टाइमलाइन का, उसकी डिग्री लेट हो जाएगी, वो 2 साल के बजाय 3 या 3.5 साल में उसको डिग्री मिलेगी। सो दैट इज द रोल ऑफ पायलट स्टडी, कि उसकी टाइमलाइंस को वो ख्याल रखने में उसको सपोर्ट करते हैं। टाइमलाइन इसलिए भी ज़रूरी होती है कि आप एक स्केड्यूल देते हैं कि इसके मुताबिक मैं चलते हुए अपना काम टाइम पर मुकम्मल कर लूँगा। प्रपोज्ड बजट नेसेसरी है बहुत, हर तरह की रिसर्च में, वो आप कोई भी टाइप कंडक्ट कर रहे हो, क्वांटिटेटिव हो या क्वालिटेटिव हो,
पैसा मैटर करता है। अभी तो लकीली आप लोग, लकीली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऑनलाइन आप घरों पे बैठे हैं ना, जब आपको ऑल द वे ट्रेवल करना पड़े, फर्ज करें आप में से कोई लोग चीचावत बिहाड़ी या गुजरात साइड से, या मेरा एक्सपीरियंस है कि लोग मुल्तान इवन लिया तक आते रहे हैं, यहाँ डीजी खान से मेरा हाई यूनिवर्सिटी में, अभी भी होंगे आपके क्लास फेलो, उन्हें ट्रैवल करना, आना, क्लास पढ़ना, फिर सारे काम करना, तो बजट तो मैटर करता है। खाली जो फीस आपने दी है वही तो आपका बजट नहीं है, ओवरहेड्स भी तो हैं, डिफरेंट और भी तो एक्सपेंडिचर्स हैं, इसका भी खास ख्याल रखना होता है कि वो जो मैं रिसर्च कंडक्ट कर रहा हूँ उसके लिए मेरे पास कितनी गुंजाइश है, कितना बजट मैं लगा सकता हूँ, इतने टाइम में इतने पैसों में ये काम हो जाना चाहिए। ठीक है, यही ये इसमें इस प्रपोजल में ये बताया जाता है। मैं आप जानना चाहूँगा कि अगर आपको रिसर्च प्रपोजल या रिसर्च फॉर्मेट या रिसर्च प्लान के मुतालिक कुछ पूछना है, बात करनी है, तो आप ज़रूर करें, आप हैंड रेज करें, मैं आपका माइक अनम्यूट कर देता हूँ। सबका अनम्यूट करूँगा तो अभी खौफनाक आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी। हेलो, किसी ने कोई बात नहीं पूछनी? हाँ प्लीज रेज योर हैंड इफ यू वांटेड टू नो अबाउट समथिंग। यस महमूद अल हसन बताइए। मैं आपको अलाउ करता हूं कि आप खुद अनम्यूट कर लें अपना, जिसने बात करनी हो। सर आवाज आ रही है? अभी आ रही है। यस हेलो, आ रही है। सर मैं कह रहा था कि नमाज के हवाले से, सर नमाज के हवाले से कोई ब्रेक वगैरह है? बिल्कुल जी बिल्कुल, नमाज की हेलो तो यस यस, आप बताइए कितना करनी है ब्रेक, किस वक्त करनी है? सर रिक्वायर्ड आप खुद देख लीजिए जिस तरह मुनासिब हो। इस तरह करते हैं कि ये जो सेशन खत्म होगा ना, इसके और अगले सेशन शुरू होने के दरमियान में हम 15 मिनट की ब्रेक कर लेंगे नमाज के लिए। जी सर। जी सर। हाँ जी, कोई क्वेश्चन करें? अच्छा एक बात मैं आप लोगों को बताऊं कि हमने जो सीखा हुआ है वो ये सीखा हुआ है कि क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता, हमेशा जवाब गलत होता है। आप इस बात से ना डरे कि पता नहीं मैं कुछ पूछूंगा तो वो गलत ना हो जाए। अगर गलत हो भी जाए तो फिर क्या है, सीखने में तो बंदे को बहुत बेशरम होना चाहिए। Excuse me sir, I have a question. Yes, आशा बताइए। What is the difference between abstract and proposal? Okay. Proposal is a complete research plan wherein all these things we have discussed in these two latest slides, that is in this slide and in the previous one you are seeing on the screen. This all inclusive is called research proposal, whereas the abstract is the आइडिया अबाउट द स्टडी कि हम उसमें ये करें, उसमें देयर आर फाइव कोर कंपोनेंट्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट। देयर मस्ट बी एट नंबर वन द रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट, नंबर टू मेथडोलॉजी, नंबर थ्री इंट्रोडक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट to be used, number 4 expected results, number 5 recommendations and suggestions for the future researchers. If these 5 components are included and the number of words or length of the paragraph is about 250 to 500 words, that is known as the abstract.
एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली रिसर्च आर्टिकल का जो एब्स्ट्रैक्ट है वो पहले बनाया जाता है, प्रपोज किया जाता है कि इसमें ये होगा और वो फिर रिसर्च कंडक्ट करते हैं। जब कंडक्ट कर लेते हैं तो फिर जो लिखते हैं वो रिपोर्ट होती है। Is it clear to you? Thank you so much, sir. Welcome. Next question. Hello. Sir, can you guide us about term paper? दोबारा बोलिए। Sir, term paper के थोड़े से structure के बारे में kindly guide कर देंगे। Okay. Term paper is basically रिसर्च पेपर। ये जो रिसर्च प्रपोजल आप हमने आज पढ़ी है इससे मुतल्लिक आप काम शुरू कर दें, एक मॉक प्रैक्टिस करें और एक छोटी सी रिसर्च कंडक्ट कर लें। सेमेस्टर शुरू होने पे आप काम शुरू कर दें। जिस तरह अभी आपने रिसर्च टाइटल बनाया, फिर आपने इंट्रोडक्शन लिखा, फिर आपने रिसर्च क्वेश्चन लिखे और हाइपोथेसिस पे आप पहुंच गए और फिर अभी लेटेस्ट असाइनमेंट में कुछ चीजें आपने मुझे करके दी, इनको साथ साथ आप प्रैक्टिकली करते जाएं जी सर, और फाइनल एग्जाम तक आप मुकम्मल एक रिसर्च रिपोर्ट लिख सकें। आपने बीच में डाटा भी इकट्ठा कर लिया। इट विल नोन एज द टर्म पेपर एंड मोस्टली टीचर एडवाइस द स्टूडेंट्स to conduct the term paper and they give them the weightage to this paper equal to final term. मतलब मैं यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में स्टूडेंट्स को उनसे एग्जामिनेशन नहीं लेता, उन्हें मैं कहता हूँ कि ये हमने जो शुरू किया आज से काम, ये आप अपने टाइप टॉपिक बनाए, इस पर काम शुरू कर दें, आपके जो रिसर्च पेपर बनेंगे और वो अगर आप टू मार्क हुए तो मैं उसको उस पे आपको ग्रेड दे दूंगा। अच्छा, स्टूडेंट को क्या फायदा होता है कि वो एक मॉक प्रैक्टिस कर लेते हैं रिसर्च करने की, जिससे फाइनली उन्हें थीसिस लिखने में आसानी रहती है, क्योंकि एक मॉक प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, उसी पे बेस करते हुए उसी ही रिसर्च प्रपोजल को आगे बढ़ाते हुए वो अपना थीसिस कंडक्ट करके एक अच्छा सा थीसिस लिख लेते हैं। या जिन लोगों की इंटरेस्ट में डीप इंटरेस्ट होती है रिसर्च में, वो इसी टर्म पेपर को फाइनली एज अ रिसर्च पेपर पब्लिश भी करवाते हैं। जी इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Any other question? Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum assalam. Assalamu alaikum. जी बताइए। अच्छा सर, जरा assignment वालों से गाइड कीजिएगा कि हर वीक एक assignment होगी या दो ही बस? हर वीक? मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा, जरा सही तरह बोलिए। असाइनमेंट सर? हाँ हाँ, असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या आप चाह रहे हैं हर वीक टोटल? आप ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या असाइनमेंट हर वीक होनी है? जी सर। अच्छा, अगर हर वीक होगी तो उसमें कोई मसला होगा? नहीं है। आप तकड़े रहें, आप यार रिसर्चर हो तो आपको नहीं डरना चाहिए असाइनमेंट से। हो सकता है अल्लाह ना करे अगर ये लॉकडाउन कंटिन्यू करता है और आप पेपर आके नहीं दे सकते तो यूनिवर्सिटी को डिसाइड करना पड़े कि ये जो असाइनमेंट्स हैं उनकी एवरेज निकाल के इनको मार्क्स दे दें। फिर असाइनमेंट में 2 मार्क्स मिल जाते हैं, कभी 1 मिल जाता है। तो वो आप लेते हैं ना, मिल नहीं जाता। ये तो फिर आप हमें थोड़ा सा फीडबैक, थोड़ा सा फीडबैक दे दे असाइनमेंट का। मार्क्स 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 दिए जाते हैं, दिए जाते हैं। मेरी बात सुन लें,
ये असूल गलत है कि फेल हो गए तो टीचर ने कर दिया और अगर अच्छे मार्क्स ले लिए तो मैंने ले लिए, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। टीचर ना फेल करता है ना पास करता है, स्टूडेंट ही फेल होता है, स्टूडेंट ही पास होता है। अब आप में लिखेंगे कुछ नहीं तो मैं नंबर वहां कहां से दे दूंगा? आपकी आधी क्लास के नंबर 5 out of 5 हैं तो वो मेरे रिलेटिव नहीं है, और जिनके 1 out of 5 हैं, 3 out of 5 हैं, 2 out of 5 हैं, वो अपनी चीजें देखें, उस वहां लिखा ही कुछ नहीं है, रेलिवेंट लिखा ही नहीं हुआ। और मैंने स्टार्ट में बताया कि आप में से कपल ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने चीटिंग की है, एक ही असाइनमेंट पे अपना नाम लिख के लोगों ने मुझे भेज दिया, तो ये क्या कोई एथिकल काम है? यानी आप तो इस तरह करें तो मैं इख्तियार नहीं करता, मैं खामोश हूँ, लेकिन जब आपके नंबर आप ठीक नहीं लेते तो फिर आप कहते हैं जी वो ये क्या हो गया, तो ये समझदारी का सबूत नहीं, इस तरह बात नहीं चलती। 3 students आप में से ऐसे हैं जिन्होंने अपलोड ही कुछ नहीं किया हुआ, ब्लैंक पेपर अपलोड किया हुआ है, मुझे आप ये बताएं कि वो खुद पागल हैं या मुझे पागल समझते हैं? मैंने तुम्हें पहले बताया कि मैं टीचर हूँ, आपका और मेरा एक्सपीरियंस का फर्क है, हो सकता है आपका मतलब एज ज्यादा हो, आप कैपेबल ज्यादा हो, काबिल ज्यादा हो, लाइक ज्यादा हो, लेकिन मेरे जितना एक्सपीरियंस आपका यूनिवर्सिटी क्लास टीचिंग का नहीं होगा। तो ये हम सारा दिन यही काम देखते रहते हैं, देखते आए हैं, इतने बड़े हुए हैं, तो ये इस तरह करोगे तो मैं इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा अगर इस तरह आइंदा हुआ तो। और ये बात नहीं करने वाली, 8 से 10 students ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे की कहीं आपस में तल्लक होंगे या मामला जो भी मुझे नहीं पता, सेम फॉर्मेट, सेम पेजेस, सेम सारा कुछ, नाम बदला हुआ है और अपलोड कर दी हुई है। अस्सलाम वालेकुम सर। एक मिनट करना, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरे रिस्पेक्टेबल स्कॉलर्स की इंसल्ट हो, मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, आप ख्याल करें, मुझे तो कोई मसला नहीं, आप सारे के सारे 5 out of 5 मार्क्स लेंगे तो मुझे तो खुशी होगी। जी जुलकरनैन बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। मैंने ना सर ये थोड़ा लेट ज्वाइन किया था तो मेरी सर जो पहले वाली असाइनमेंट है वो रहती है, तो सर मैं वो अभी अपलोड कर दूं बना के सर इस वीक में? अच्छा, जो सेकंड तो सर मैंने कर दी है। ठीक है, उसको मैं कंसीडर करूंगा अगर जो लेट से उन्होंने ज्वाइन किया है, लेकिन एक शायद आपने ना आपने 22 तारीख क्लास थी तो आपने 24 को मामू का कमरा खुश हो रही होगी, ऐसा भी है जी सर, वो सर लेट ज्वाइन करने की वजह से ऐसा, इसलिए सर कंफ्यूजन भी थी, पता भी नहीं था सर कि कैसे करना है। ओके जुनैद दे दे, टूटा पड़ा मेरा मोबाइल दे दे। आप मुझे एक ईमेल करेंगे सर और बताएंगे कि इस तरह से मैं लेट था, लेट ज्वाइन किया तो मुझे परमिशन दें, तो मुझे आप फिर ईमेल करेंगे क्योंकि सीएमएस पे अब आप लोग नहीं कर सकते आप लोग ना, तो मैं कंसीडर कर लूंगा। ओके सर, ओके। ये देखिए ना बीच में आवाजें आ रही हैं, बच्चों को साथ आवाज दे रहे हैं लोग, पता नहीं क्या क्या काम साथ कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि जी अच्छा हमारे मार्क्स नहीं आते, तो मार्क्स कैसे आने हैं? जब फीसें दी हैं, टाइम आपने लगाया, तो कोशिश करें इसको फोकस करने की। सो आई एम हैप्पी दैट यू हैव गॉन थ्रू द प्रपोजल आर फॉर्मेट ऑफ द सेट प्लान and from your questions it is very clear that you do have also understanding of this. Now this is the time to go for next component of our today lesson, that is about the proposal, a proposal that includes a theoretical lens. हमने बात की थी ना कि तीन तरह के lenses में हमने उसको किया हुआ है, तो देखते हैं कि उनके कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो फर्स्ट वन इज द थ्योरेटिकल लेंस। ये किन के हैं भाई? इंट्रोडक्शन बेसिकली क्या होता है ये हम देखते हैं।
इंट्रोडक्शन बेसिकली ओवरव्यू ऑफ द योर रिसर्च टाइटल होता है, उसके अंदर आपने किस तरह के वेरिएबल्स लिए हैं उनको आप इंट्रोड्यूस करवाते हो, उनकी हाउ नो डिटेल में दी जाती है। टाइप एंड पर्पस, यानी ये भी डिसाइड किया जाता है कि उन वेरिएबल्स की टाइप क्या है, जिस तरह इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, और इन वेरिएबल्स पे कंप्राइज करता हुआ जो आपका रिसर्च टाइटल है या रिसर्च क्वेश्चंस हैं वो किस तरह की रिसर्च टाइप की तरफ जा रहे हैं, वो डिफरेंट प्रिवेलिंग टाइप्स में से कोई एक टाइप जो है आइडेंटिफाई करते हैं। वहां से फिर अगली बात होती है पर्पस ऑफ द रिसर्च की, जो मैंने कहा था रैशनल, ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि व्हाई द रिसर्चर इज गोइंग टू कंडक्ट सच टाइप ऑफ रिसर्च। देन potential significance of the research, why the researcher have taken such sort of topic and what will be its